हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन शुरू करते हैं और आज काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। एंड अगेन देयर इज एन आर्टिकल ऑन इकोनॉमी जिसको देख के बचना नहीं है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बताया गया है, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिस्कशन है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू वुड लर्न अ लॉट। ओके, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनते रहना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक नया वर्ड दिया गया है, अरागलया। ठीक है, अरागलया, तो इट इज़ सिन्हालीज फॉर स्ट्रगल। और जो अभी श्रीलंका गवर्नमेंट में श्रीलंका गवर्नमेंट जो गिरी है उसकी वजह से जो जो मूवमेंट हुई थी उसको अरागलया जो स्ट्रगल था वो कहा जाता है। और अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में बताया है, अरागलया के बारे में। इट स्टार्टेड विद द फार्मर्स, पूरा मूवमेंट जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था इसकी इसके बारे में। अब देखो, एक तरीके से आपकी केस स्टडी भी हो जाएगी पूरा श्रीलंका के ऊपर, है ना। तो इट स्टार्टेड विद द फार्मर्स, और ये कब से शुरू हुआ था, अप्रैल 2021 में, जब गोटाबाया राजपक्सा ने एक एडिक्ट दिया था कि फार्मर्स को जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच करना चाहिए। और ये अचानक से कब हुआ था, जब काफ़ी सडन चेंज आ गया था फॉरेन एक्सचेंज में, तो इम्पोर्ट बिल को कंट्रोल करने के लिए, देखो हम भी पढ़ेंगे अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी, तो इम्पोर्ट बिल को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ जो है वो बंद कर दो, और मतलब फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो है उसको उस क्राइसिस से बच सकें, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। तो इसमें क्या हुआ कि जो पेडी फार्मर्स थे उनको फिर कंसर्न्स एकदम से हुए। सबसे पहले याला सीजन में, अब ये टर्म्स नोट करते जाना, अचानक से कई बार यूपीएससी ना पूछे लेकिन स्टेट पीसीएस में भी इस तरीके से कई बार टर्म्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याला सीजन जो होता है वो पहला कल्टीवेशन का मतलब पहला टाइम होता है सीज़न का, और ये मई में था, तो उस टाइम पे इनको सबसे ज़्यादा पहले दिक्कत आई। सेकंड सीज़न फिर जो था वो महा कहलाता है। ओके, महा वो सितंबर में था, और इस टाइम पे फिर क्या हुआ कि फार्मर्स जो थे वो निकल के आने लगे और फिर अपनी आवाज़ उठाने लगे। तो अरागलया इज़ द सिन्हालीज वर्ड फॉर स्ट्रगल, और ये डेली जो अभी लोग जमा हो रहे थे कोलंबो के गेल फेस ग्रीन में उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है। और इनकी जो डिमांड थी वो था कि गोटाबाया पहले रिज़ाइन करे एज अ प्रेसिडेंट, और उसके बाद में फिर एक नया डिस्पेंसेशन बनाया जाए और एक नया सिस्टम ही बनाया जाए, है ना। और इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्सा है उनको भी फोर्स किया स्टेप डाउन करने के लिए। और वैसे अब वही बात है कि अभी अरागलया, इसके लिए हम कह रहे हैं कि जो अभी इन लोग ने वहाँ पे जाके रेसिडेंस पे जाके इस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये फार्मर से ही शुरू हो गया था और वहीं पे इन लोग ने कहना शुरू कर दिया था कि जो बैन आपने लगाया केमिकल फर्टिलाइजर्स पे उसको यूटर्न करो, और जो अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं उनको इम्पोर्ट करने की परमिशन दो। ओके, और एसेंशियल मीनिंग में अरागलया जो है वो इस स्ट्रगल को भी कैप्चर करता है जो कि श्रीलंकन्स को फूड, फ्यूल और मेडिसिंस के लिए डेली बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट टर्म है, खाने के लिए, फ्यूल के लिए, दवाइयों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसको कहा जाता है जनता अरागलया, यानी पीपल्स स्ट्रगल। और ये ज़्यादातर जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ज़्यादातर लीडरलेस रहा है, और इसमें इन्होंने सोशल मीडिया का भी यूज़ किया है अपने मैसेजेस वगैरह को बढ़ाने के लिए। अब नए प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो कुछ जो सेक्शंस हैं अरागलया के जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट किया है, जैसे कि स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स से लेके प्रोफेशनल्स तक को, और ट्रेड यूनियन से लेके जनता विमुक्ति पेरामुना को, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी लीडर ऐसा आएगा जो कि स्टेटस को, यानी कि जैसा है वैसा का वैसा रहने देगा, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अरागलया ने रणिल विक्रमासिंघे को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि इनका मानना एक तो नॉमिनेटेड मेंबर है, और कुल मिला के वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उन पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर जो कि राजपक्सा की पार्टी के हैं, है ना। तो वो अपने जो जिन लीडर्स को हटाया गया है अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और ये भी हो सकता है कि रनिल की वजह से गोटाबाया वापस श्रीलंका आ जाए, है ना। तो उनको रनिल राजपक्सा भी कहा जा रहा है। तो एक और अब इसमें चीज़ याद रखना, टेम्पल ट्रीज़ को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। टेम्पल ट्रीज़ क्या है, वहाँ के पीएम का ऑफिशियल होम है, और उसके प्राइवेट रेसिडेंस पे काफ़ी आर्सनिंग भी की थी, और जिससे ये पता चलता है इन दो चीज़ों से कि इस तरीके से पीएम के घर में घुस जाना और आर्सन करना, इससे पता चलता है कि ये ट्रांजिशन जो रहेगा वो आसान नहीं रहेगा। ओके, इकोनॉमी वाले पोर्शन पे अभी आएंगे, पहले एक यहाँ पे देख लेते हैं, पाइथागोरियन ज्योमेट्री इन वैदिक एरा टेक्स्ट। और पाइथागोरस
की जो बात है, कहा जाता है कि पाइथागोरस ने नहीं दिया था, और अभी अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी कर्नाटका गवर्नमेंट का एक पेपर आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और उन्होंने मतलब इस बात पे फिर से डिस्कशन शुरू कर दिया है कि जो पाइथागोरस थ्योरम हम जिसको अभी कहते हैं वो इंडियंस को पहले से वैदिक टाइम में पता था, ठीक है। तो अब आपको इसमें दो चीज़ें समझ में आएंगी, पहली बात तो कि ये बात सच है, और दूसरी बात ये कि वैदिक टाइम से भी पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता था। तो इन्होंने ये चीज़ भी यहाँ पे पॉइंट आउट की कि हर चीज़ का ओरिजिन केवल इंडिया नहीं है, तो आपको इस माइंडसेट से भी निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा आर्टिकल है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कई इंटरनेशनल फोरम्स में डिस्प्यूटेड रहता है, और डिस्प्यूट मतलब सिर्फ थ्योरम सही है लेकिन कि पाइथागोरस ने उसे क्लेम किया उसका खुद का, ये चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो अभी कर्नाटका में क्या हुआ है कि उन्होंने रिफ़र किया है बौद्धयान, वैदिक एरा में कंपोजिशन था बौद्धयान सुलभ सूत्र, ठीक है। तो सुलभ सूत्र क्या होते हैं अभी आपको आगे बताएंगे। तो उसमें एक था बौद्धयान सुलभ सूत्र, ये वैदिक एरा का है। तो उसमें कुछ श्लोक ऐसे हैं जो कि इस थ्योरम को रिफ़र करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल पहला है कि क्या पाइथागोरस एग्जिस्ट करता था, और ये थ्योरम जो है ये उसके नाम पर क्या है, ओके। तो एविडेंस ये है कि ग्रीक फिलोसोफर था ये पाइथागोरस, और ये एग्जिस्ट करता था करीब 570 टू 490 बीसी में, और उसकी एक मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि उसने एक सोसाइटी पाइथागोरस स्कूल या सोसाइटी बनाई थी जो कि उसका काफ़ी सीक्रेटिव नेचर था, इटली में बनी थी, और उसके बाकी मैथमेटिकल अचीवमेंट्स के बारे में जो उसके खुद के हों वो ज़्यादा कुछ नहीं पता है। थ्योरम क्या है तो आप सबने पढ़ा हुआ होगा, ये रिलेशनशिप बताता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके तीन साइड्स के बीच में, यानी वही है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द वो डायगनल का स्क्वायर, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, और इसको फिर एक्सटेंड भी किया जाता है स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स वगैरह में, इसलिए ये इक्वेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है कंस्ट्रक्शन नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी में, है ना। आप बोलोगे कि स्कूल के थ्योरम पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है कंस्ट्रक्शन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी में। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर क्रेडिट देने की अगर बात आएगी तो किसको देंगे, इसलिए सारा पूरा डिस्कशन हो रहा है। तो अब हमको कैसे पता चलता है कि इंडियंस को जो वैदिक टाइम के थे उनको पता था इस बारे में, तो इसमें सुलभ सूत्रास के रेफरेंसेज है, पहले ही बताया। सुलभ सूत्रास क्या होते हैं, ये वो टेक्स्ट हैं जो कि फायर रिचुअल्स यानी जो यजनास होते थे उनको उनके लिए होते थे सुलभ सूत्रास। ये वैदिक इंडियंस जब परफॉर्म करते थे रिचुअल्स तो उसमें ये सुलभ सूत्रास होते थे, और इनमें सबसे पुराना जो है वो है बौद्धयान सुलभ सूत्र, और इसका पीरियड अभी हमें पता नहीं है, और लेकिन जो भी मतलब इससे निकाला जाता है एविडेंस वो लिंग्विस्टिक और बाकी हिस्टोरिकल कंसिडरेशन से निकाला जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि ये जो बौद्धयान सुलभ सूत्र है ये करीब 800 बीसी के टाइम का रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो अभी हमने बताया कि पाइथागोरस का पीरियड कब था, 570 टू 490 बीसी, यानी उससे भी पुराना हो गया 800 बीसी, है ना। हम बिफोर क्राइस्ट में, आपको ये तो पता है ना कि हम उल्टा जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि हमें ये तो पता है कि बौद्धयान सुलभ सूत्र में इसका जिक्र है, और इनफैक्ट न्यूयॉर्क के एक प्रोफेसर ने भी ये बताया है कि जो पहला चैप्टर है बौद्धयान सुलभ सूत्र का उसमें दो सूत्र जो हैं वो यही कहते हैं, ये यहाँ पे टेक्स्ट भी जैसे उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया है कि जो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूस सेपरेटली बाय द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल टुगेदर इक्वल्स द एरिया, यानी वाई लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है वो बराबर उसका एरिया होता है, और इक्वल द एरिया प्रोड्यूस बाय द डायगनल, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कुल मिला के कहा है कि उसमें ये सब चीज़ों का मैथमेटिकल चीज़ों का जिक्र है। अब अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन वहाँ पे यजनों की बात कर रहे हैं, फायर रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता था, तो एक्चुअली में जो यजना रिचुअल होते थे उसमें अल्तार्स होते हैं, वेदी होती है, और फायर प्लेसेस यानी अग्नि, तो उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता था अलग अलग शेप्स में, जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्रपीज या रेक्टेंगल्स। तो सुलभ सूत्र जो है वो स्टेप्स बताते हैं कि कैसे मतलब प्रॉपर साइज में इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही बताया कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या होते हैं, तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स होते हैं जैसे कि मान लो 3:4:5 के रेशियो में हो गया, है ना, 3² + 4² = 5² होता है, वैसे ही 5:12:13 हो गया, तो 5² + 12² = 13 का स्क्वायर होता है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स कहलाते हैं, ओके। और
अब ये जो नॉलेज है इक्वेशन की, ये कैसे इवॉल्व हुई है, तो अब देखो अब कहाँ पर ट्विस्ट आता है। अभी तक हमने बोला कि उससे पुराना ये था बोधयान सूत्र, तो इससे अभी हमें ये एविडेंस पता है कि उससे भी पुराना था ओल्ड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया के वाली जगह पे ओल्ड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो थी 1900 से 1600 BC में, वहाँ पे भी उनको पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी थी। और क्योंकि वो अब 1000 से भी ज़्यादा साल पुराना था पाइथागोरस से, तो इसलिए वो ऑब्वियसली बात है कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं कहते थे, तो उन लोग कहते थे इसको डायगनल रूल, ठीक है, इसको कहते थे डायगनल रूल। तो याद रखना, अगर डायगनल रूल भी पूछा जाए तो किसको कहा जाता था, पाइथागोरस थ्योरम को, ओके। तो और अच्छा एक चीज़ और है कि क्या ये सारे जो थ्योरम जैसे सुलभ सूत्र में है या पाइथागोरस में है या से पहले बेबीलोनियन में था, तो क्या उसमें प्रॉपर उन्होंने एविडेंस दिया था, तो नहीं उन्होंने एविडेंस नहीं दिया था। जो हमें सबसे पहला एविडेंस मिलता है, मतलब प्रूफ दिया था कि नहीं दिया था, तो नहीं दिया था। जो हमें प्रूफ मिलता है वो सुलभ सूत्र इसके पीरियड के बाद में मिलता है, इनफैक्ट पाइथागोरस के भी बाद में ये मिलता है हमको करीब 300 BC में, जो यूक्लिड के एलिमेंट्स हैं वहाँ पर हमको इस थ्योरम का प्रॉपर प्रूफ मिलता है। तो अब ये जो डिस्कशन है वही कि ये इक्वेशन पहले किसको पता चली, तो वही है कि अभी इन्होंने पाइथागोरस को फेक थ्योरम बोल दिया है, पर इस तरीके से आप क्लेम कर रहे हो कि ये वैदिक एरा का है तो ऐसा नहीं है, कई चीज़ें उससे भी पहले की हैं, तो दूसरों को भी हमको क्रेडिट देना होता है। तो ये जो एटीट्यूड है कि हर चीज़ इंडिया से आई है, इसको जगत गुरु सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। सो वैसे ये पूछेगा नहीं, बट हाँ जब आप प्रोज एंड कॉन्स लिखते हो आपको दोनों तरफ लिखना होता है, तो इस तरीके के टर्म्स काम आते हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर टोल्ड बाय अ प्रोफेसर सो यू कैन यूज़ देम, ओके। तो ये जो जगत गुरु सिंड्रोम कहा जाता है कि हर चीज़ जो है वो इंडिया से आई है, तो इसमें से कुछ चीज़ें सच होती हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारी चीज़ें जो गलत हैं वो एक सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियोरिटी में चली जाती है, जो कि एक्चुअली में कायदे से देखा जाए तो बहुत डेट्रीमेंटल है। क्योंकि फिर वही बात है ना कि जब असलियत पता चलती है विद एविडेंसेस, तो उस टाइम पे फिर और एम्बैरेसमेंट वाली बात हो जाती है, ओके। यहाँ पे अब देखो ये देख सकते हो 1900 से 1600 BC मेसोपोटामिया में ओल्ड बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, तो वहां पे जो टैबलेट्स हैं उन्होंने ये डायगनल रूल की बात की है। 800 से 500 BC में फिर इंडिया में सुलभ सूत्रास, जो कि यही 800 BC के टाइम के थे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम दिया हुआ है और पाइथागोरियन ट्रिपल्स की भी बात करी है और उनका यूज़ कैसे कंस्ट्रक्शन में किया जाता था। सेम चीज़ अभी मतलब रिपीट करवा दी, 570 टू 490 BC में पाइथागोरस का टाइम था, तो वही थ्योरम दिया गया है। और इसका एविडेंस 300 BC में फिर ग्रीस में ही यूक्लिड के एलिमेंट्स में मिलता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ का ना भरोसा नहीं होता, देखो इससे पहले के और भी हो सकते हैं कि प्रूफ भी मतलब पहले का भी दिया हो, तो यू नेवर नो कब क्या चीज़ सही हो जाए, ओके। अब इकोनॉमी वाले पोर्शन पे आते हैं, व्हाट रुपी 82 अ डॉलर मींस। तो अब क्या है कि रुपी की वैल्यू गिरते हुए 80 उस पर आ गई है, मतलब $1 हैज़ बिकम इक्वल टू 80 rupees। तो ये एक्सचेंज रेट क्यों गिर रहा है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, जब ऑलरेडी हमारा महंगाई इतनी ज़्यादा है और ग्रोथ बहुत कमज़ोर है, उसके बारे में काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। सो वैसे 80 rupees के ऊपर ही है ना, मतलब $1 बराबर 80 rupees के ऊपर ही दो और आर्टिकल आए, बट दे वर नॉट सो गुड। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो जब से है ना यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है और क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो रुपी की वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर रही है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कल वाला डिस्कशन देखना, उसमें भी आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो अब इंडिया में मैंने बताया महंगाई बहुत बढ़ गई है, ग्रोथ कम हो गई है, तो अब सबसे पहली बात रुपी एक्सचेंज रेट क्या होता है। रुपी एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रुपीज़ वन नीड्स टू बाय $1, यानी $1 खरीदने के लिए आपको कितने रुपयों की ज़रूरत है, तो वो हो जाता है आपका रुपी एक्सचेंज रेट, ठीक है। और ये केवल US गुड्स खरीदने के लिए नहीं, बाकी गुड्स और सर्विसेज जैसे क्रूड ऑयल के ट्रेड में भी US डॉलर ही चलता है ना। तो कुछ कमोडिटीज़ हैं जिसमें US डॉलर में, आप भले किसी और कंट्री से करो लेकिन उसका ट्रेड जो होता है वो US डॉलर में होता है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है, ओके। तो जब क्या होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे रुपी डिप्रिशिएट होता है, रुपी की वैल्यू घटती है, रुपी कमज़ोर होता है, तो उस केस में इम्पोर्टर्स को नुकसान होता है और गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, है ना। डॉलर कॉस्टली हो गया तो इसलिए डॉलर में खरीदने वाली चीज़ कॉस्टली हो जाएगी, ओके। और लेकिन अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहे दूसरी कंट्रीज़ में गुड्स और सर्विसेज, खासकर US में, तो फिर एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि
क्योंकि उससे क्या होता है कि डिप्रिसिएशन की वजह से बायर्स को हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, इसलिए कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, इसलिए एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एक बेसिक रूल दिमाग में बिठा लो कि जब भी रुपी कमज़ोर होगा, रुपी वीकन होगा, उस केस में एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा बट इम्पोर्टर्स का लॉस होगा, एंड सेम इज़ वाइस वर्सा। ओके, तो अभी रुपी की कंडीशन क्या है? तो रुपी अगर मतलब अब यहाँ पे देखो, एक इन्होंने लॉन्ग टर्म एवरेज बताया है रुपी डेप्रिसिएशन का। ओके, ये लाइन बताइए। तो अब ऐसा है कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली डॉटेड लाइन जो जा रही है, ये जो है ये एक एवरेज डेप्रिसिएशन है। तो जब भी है ना, मतलब अब इन्होंने बताया है कि लॉन्ग टाइम एवरेज से अगर ऊपर चला जाता है, यानी रुपी का डेप्रिसिएशन एवरेज से भी ज़्यादा तेज़ यदि होता है, तो उसका मतलब ये है कि करेंसी जो है वो बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। ओके, तो अभी कुछ पिछले सालों में तो है ना डॉटेड लाइन के नीचे रहा है, तो इसलिए रुपीज़ जो है वो काफ़ी रेजिलिएंट रहा है और अभी भी वैसे रेजिलिएंट है। तो अगर कंपेयर किया जाए, जो इससे पहले 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और 2013 में टेपर टेंट्रम हुआ था, उसके कंपेरिजन में आज भी रेजिलिएंट है। तो आपका आज का क्वेश्चन पहला यही है कि टेपर टेंट्रम 2013 का क्या है, इस क्राइसिस को आप मुझे कमेंट सेक्शन में समझाओगे। ओके, और दूसरी बात ये है कि मतलब हाँ, अगर अभी रुपी की बात कर रहे हैं तो केवल डॉलर नहीं है, है ना, और दूसरी कई सारी करेंसीज़ हैं। और अभी हमने कल भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि बाकी करेंसीज़ के कंपैरिजन में रुपी जो है वो स्ट्रॉन्गर है, उसने अप्रिशिएट किया। हमने देखा था ना कि इनफैक्ट यूरो के अगेंस्ट भी उसने अप्रिशिएट किया है। ओके, तो अभी भी इंडिया को कोई एक्सटर्नल क्राइसिस नहीं है और कोई भी मतलब खासकर एक्सटर्नल डेट वगैरह नहीं है, तो इसलिए अभी लॉन्ग टर्म डेटा जो है वो यही बताता है कि इंडिया फिर भी ठीक ठाक सिचुएशन में है। ओके, और लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो वर्स हो सकती हैं। अभी ऐसा हुआ है कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा गिर गए हैं पिछले 10 महीनों में, और इस दौरान जो है रुपी का एक्सचेंज रेट भी 8.7% गिर चुका है, यानी डॉलर जहाँ पे 73.6 रुपीज़ के बराबर था, अब वो 80 रुपये के बराबर हो गया है। और वैसे नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन होता है वो 3% से 3.5% होता है ना, तो इस बार मतलब पिछले 10 महीने में सीधे 8.7% ही गिर गया है। 3 से 3.5% भी एक साल में होता है, ठीक है, तो 10 महीने में इतना गिर चुका है। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगले 3-4 महीनों में हो सकता है कि एकदम 82 रुपीज पर डॉलर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब ये रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट और ये फॉरेक्स रिजर्व क्यों गिर रहे हैं? तो अब यहाँ पे आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट, इसको हम समझेंगे बीओपी को। तो बीओपी एक्चुअली में क्या होता है, ये देखो यहाँ जो लिखा है ना एज इट इज, इसको चाहो तो लिख लो, बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि बीओपी क्या होता है। एक लेजर होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का बिटवीन इंडियंस एंड फॉरिनर्स, ठीक है, पूरा एक लेजर होता है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं इंडियंस और फॉरिनर्स के बीच में। तो अगर डॉलर इंडिया में आता है तो फिर ये पॉजिटिव होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अगर ये इसमें डॉलर यदि इंडिया से गया है तो फिर उसके इसमें माइनस साइन रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने सब कैटेगरीज बताई हैं बीओपी की, तो आप क्या कर सकते हो ना, एक है ना फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके अब दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बनाते जाना अभी, ठीक है। फिर करंट अकाउंट के फिर दो होते हैं, ठीक है, एक ट्रेड अकाउंट होता है और एक इनविजिबल सर्विसेज का अकाउंट होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीओपी के दो ब्रॉड सब हेड्स हो गए, जिसको अकाउंट्स कहते हैं, करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट जो है उसको और डिवाइड कर देते हैं ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल्स अकाउंट में। ट्रेड अकाउंट गुड्स के लिए होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और इनविजिबल्स अकाउंट जो है वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमारा सरप्लस ही रहता है इनविजिबल्स वाला, ठीक है, सर्विसेज वही है कि हम लोग काफ़ी देते हैं ना। और बीओपी की खास बात ये है कि नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो ये हमेशा बैलेंस करता है। अब बैलेंस कैसे करता है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बताया 21-22 में इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था, ये डेटा नोट डाउन कर लो, आपको ये डेटा काम आएगा, फैक्ट्स इनको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। तो 21-22 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो था, यानी कि किस में डेफिसिट, गुड्स में, ठीक है, तो वो 189.5 था डेफिसिट था, यानी माइनस हो गया, ठीक है। और इंडिया ने, यानी कि कंट्री ने ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट किए एज कंपेयर टू दी एक्सपोर्ट्स,
ठीक है। तो वही था कि हमारा क्रूड ऑयल वगैरह का जो था इम्पोर्ट वो ज़्यादा था, तो इस वजह से ये चीज़ हमारी जो है वो नेगेटिव हो गई थी। लेकिन इनविजिबल्स अकाउंट में मैंने आपको जैसे बताया कि वो पॉजिटिव ही रहता है, तो वो सरप्लस में था 150.7 बिलियन। अब यदि टोटल करंट में देखो तो आप इसको माइनस करोगे, है ना, -189.5 +150, तो इससे आपको मिलेगा सरप्लस, आपको मिलेगा डेफिसिट, ठीक है, माइनस ज़्यादा है ना, -189 +150, तो आपको मिलेगा डेफिसिट ऑफ $38.8 बिलियन। तो ये था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। वहीं अगर कैपिटल अकाउंट में देखें तो FDI जो था हमारा काफ़ी ज़्यादा आया था, तो जिसकी वजह से जो था ये हमारा सरप्लस में था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से $86.3 बिलियन ये सरप्लस में था, ओके। लेकिन FPIs ने पुल आउट भी कर लिया था 16.8 बिलियन, तो उसको माइनस कर दो कुल मिला के। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था करंट और कैपिटल को अगर मिला दें तो वो प्लस था $47.5 बिलियन। अब बात ये आती है कि ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास में $47.5 बिलियन आया, इसका क्या होगा या इसकी वजह से क्या होगा? तो अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि अगर मतलब ज़्यादा सरप्लस आ गया हमारे पास में, डॉलर ज़्यादा आ गया, यानी उस केस में क्या होगा कि रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, हमारे पास में इतना डॉलर आ गया तो अब रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी, तो इससे क्या होगा कि मतलब वही है कि इम्पोर्ट्स अब अप्रिशिएट होने में उल्टा होता है ना, तो इम्पोर्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा खरीदने लगेंगे लोग, ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, और उल्टा एक्सपोर्ट हमारे कॉस्टलियर हो जाएंगे, तो एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि फिर से ट्रेड डेफिसिट जो है वो बदल जाएगा, इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगेगा तो फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, हम फिर से पता चला डेफिसिट में चले जाएंगे, है ना। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर लेगा अपने आप। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मतलब खुद से कुछ ना होने दें और RBI बीच में आ जाए। वैसे तो पहले खुद से ऑटोमेटिकली हो रहा था ना कि रुपी अप्रिशिएट हो जा रहा था, अब क्या हो कि RBI बीच में आ जाए और ये जितना भी एक्स्ट्रा आया है ना, ये 48 कितना था डॉलर बिलियन डॉलर 47.5 बिलियन डॉलर, ये पूरा का पूरा मार्केट से खींच ले और उसके बदले में, उन डॉलर्स के बदले में रुपीज़ इंट्रोड्यूस कर दे, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में पूरा डॉलर हट गया तो अब अप्रिसिएशन नहीं होगा, है ना, तो और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब बात क्या है कि ज़्यादातर जो हमारी इंडिया के इम्पोर्ट्स हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड हैं, तो ये इम्पोर्ट्स जो हैं ये अभी कॉस्टली हो जाएंगे, और देखा भी हमने कि क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बिल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्ट्स होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट था और उस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट था और उससे एक्सचेंज रेट पे असर पड़ रहा था, है ना। लेकिन एक्सपोर्ट्स में ऐसा डायरेक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था क्योंकि रुपी जो है वो बाकी करेंसी से भी स्ट्रॉन्गर हुआ है, तो अगर डायरेक्ट अगर एक्सचेंज हम देखें कि डॉलर से अगर देखें तो केवल, है ना, एक्सपोर्ट्स मतलब इतने डायरेक्टली नहीं देखे जाएंगे क्योंकि रुपी ऐसी अकेली करेंसी नहीं है जो डॉलर के अगेंस्ट वीकन हो रही है। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा सा टफ है, तो अगर नहीं भी है तो कोई इतना वो मेजर कंसेप्ट नहीं है, बट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो रुपी जो है वो अकेली ऐसी करेंसी नहीं है जो कि वीकन हो रही है डॉलर के अगेंस्ट, ये एक्सपोर्ट्स के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा, भाई इम्पोर्ट में तो हमने बता दिया कि हम ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और ये 80 रुपये का हो गया है, तो फिर हमारा मतलब इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। लेकिन एक्सपोर्ट में हम कह रहे हैं कि भाई केवल इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रुपी जो है वो बाकी करेंसी से तो स्ट्रांग हुआ है ना, तो ये अकेली करेंसी नहीं है जो डॉलर के आगे वीक हुई है, तो इसका जो नेट इफेक्ट रहेगा वो बाकी करेंसीज कितना वीक हुई हैं डॉलर से उससे भी पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में वैसे अगर ऐसे रुपी डिप्रिसिएट हो तो वो अच्छा माना जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, क्योंकि उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, पर अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अगर ऐसे ही डिप्रिसिएट होता रहेगा तो इससे और ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा है कि इस टाइम पे ऐसा वाइस नहीं है कि RBI इंटरवीन करे और कंटिन्यूसली, है ना, जो है रुपी को गिरने से बचाता रहे। इंटरवीन करे मतलब वही कि डॉलर निकाल ले या फिर जो डेफिसिट हो रहा है तो उसके लिए पूरा फॉरेक्स रिजर्व अपना स्पेंड करता जाए, क्योंकि इससे वही होगा कि फॉरेक्स रिजर्व पूरा ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए इनका मानना है कि थोड़ा रुपी को डिप्रिशिएट होने दो और एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करने दो कि वो भले डिप्रिशिएट हो वो धीरे धीरे शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि आरबीआई जो कि मॉनेटरी पॉलिसी की इंचार्ज है, देखो दो होते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी की इंचार्ज कौन है, आरबीआई है, और फिस्कल पॉलिसी की गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि आरबीआई का जो मेन काम है ना वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना, तो आप भाई महंगाई जो जा रही है उसको काबू करो, और गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं करनी है, ज़्यादा बोरोइंग करेंगे तो वही है कि फिर डेफिसिट होगा, है ना। तो इन्होंने ये सजेशन दिया है। थोड़ा लंबा हो गया पर बहुत ज़रूरी आर्टिकल था। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पे, तो यहाँ पे एक आर्टिकल आया है लिमिटेड फार्म विजन के ऊपर। तो अभी क्या हुआ है कि लास्ट ईयर अभी जो फार्म पूरा वो ख़त्म हुआ फार्मर्स का मूवमेंट, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करी थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी, तो अभी कमेटी बनाई गई है जिसका मेन काम जो है वो ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करना है और MSP को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है और ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो एक 28 मेंबर की बॉडी बनाई गई है जिसमें सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सबको इंक्लूड किया गया है। इस कमेटी के बनने से पहले एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल था जिसने ये कहा था कि फार्मर्स को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फार्म यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मतलब जो चुप बैठे हैं तो आप उनको एकदम बिल्कुल उनको ना सुनो, तो वो चीज़ एक अनफेयर रहेगी अगर आप ऐसे ही रिपील कर दो तो, ठीक है। तो अब जो उसमें कमेटी बनी है उसमें से 8 मेंबर्स किसान हैं, और उनमें से 8 किसान मेंबर्स को पांच जो है उन मेंबर्स में उनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, और ये माना जा रहा है कि वो सिंपैथेटिक है उनके व्यूज़ के लिए। इसके अलावा जो 3 हैं उनको संयुक्त किसान मोर्चा ने, जो कि अम्ब्रेला बॉडी थी पूरे मूवमेंट के दौरान, तो उनको नॉमिनेट करने के लिए कहा था, लेकिन SKM ने इस कमेटी को बॉयकॉट किया है और ये कहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कमेटी तो देखो बन गई है, ठीक है। अब इसमें कमेटी में दिक्कतें क्या क्या हैं कि एक तो आपने चेयरमैन बना दिया है फॉर्मर सेक्रेटरी को, जो कि संजय अग्रवाल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, तो उनको पहले भी मतलब एक तरीके से गलत उससे ही देखा जा रहा था फार्म लॉस के केस में, तो और उसके बाद में नीति आयोग के मेंबर्स जिनकी रैंक और स्टेटस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर है उनको कहा है कि दे वुड सर्व अंडर अग्रवाल, है ना, तो वो अग्रवाल के अंडर यानी कि जो फॉर्मर सेक्रेटरी है उनके अंडर करेंगे, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो सेक्रेटरी के अंडर करेंगे, तो ये थोड़ा अजीब चीज़ है। दूसरा इन्होंने कहा है कि कोई भी है ना स्टेट रिप्रेजेंटेशन पंजाब से नहीं लिया गया है जो कि मेजर ग्रेन प्रोक्योरमेंट स्टेट है, तो ये चीज़ भी बहुत गड़बड़ है, है ना। तो इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भले अच्छे से समझ है प्रॉब्लम्स की, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि केवल क्रॉपिंग चॉइसेस और प्रैक्टिसेस के आप ऐसे बोल दो कि डाइवर्सिफिकेशन करो, केवल इससे सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं, और सॉल्यूशंस के लिए प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच चाहिए, और ये नहीं हो सकता है। देखो दूसरा फ्लॉ उन्होंने बताया कि आप केवल क्रॉप्स पे अगर आप जोर डालो, है ना, तो आपने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को इंक्लूड भी नहीं किया है कमेटी में। तो इनका कहना है कि जो पूरा एग्रीकल्चर है उसमें से 1/3 जो एग्रीकल्चर है उसकी GDP एनिमल रेयरिंग से आती है, तो आपने तो उसको इंक्लूड ही नहीं किया है, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक कोट दिया है जॉन मेनार्ड कीन्स का, उनका एक परसेप्टिव कमेंट था कि जो डिफिकल्टी है वो नए आइडियाज में नहीं है, बट इट इन एस्केपिंग दी ओल्ड वंस, यानी नए आइडियाज़ को आप भले वो करो उसमें वो अच्छी बात है, लेकिन आपको पुराने आइडियाज से जो है वो एस्केप नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये वाला कोट भी आप लिख लेना, काफ़ी अच्छा है। तो अब कमेटी जो है वो प्रपोज करेगी, अब इन्होंने कहा है कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं, तो इन्होंने कहा है कि एक अब आप ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रेन्स का सिस्टम वो कर दोगे MSP पे, कि मतलब अब MSP ज़्यादा फार्मर्स के लिए अवेलेबल रहेगी पूरा इंडिया में, और उससे अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स दिए जाते थे वो भी एंड कर देगा, तो इससे डायरेक्ट और आप उससे शिफ्ट करोगे डायरेक्ट फर्टिलाइज़र सब्सिडी की तरफ इनटू फार्मर अकाउंट्स, है ना, कि डायरेक्ट आपको सब्सिडी अकाउंट में भेजने की तरफ। तो इन्होंने कहा है कि इस कमेटी को तो है ना एक टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया है कि इनको रिपोर्ट कब देनी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ऐसी चीज़ें सारी प्रपोज करके और ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि रिकमेंडेशंस 2024 के बाद दें, इलेक्शंस के बाद में।
तो मतलब बेसिकली इन्होंने फ्लॉज उसके बता दिए कि क्या क्या कमेटी में ये डिस्कशन क्यों हुआ। देखो सीधी सी बात है कि ये जो फॉर्म लॉज मतलब आए थे वो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा कंटेंशियस रहे थे, उसके ऊपर इतना लंबा मूवमेंट चला था, मतलब काफ़ी टाइम बाद इतना पूरा लंबा मूवमेंट चला था और फार्मर्स का, और उसके बाद में भी जो कमेटी बनी है तो उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं और इससे आगे क्या रिपरकशंस होते हैं, उस चीज़ को आपको समझने में इस आर्टिकल से हेल्प मिलेगी। ओके अब आइडियाज पेज पे आते हैं। आई थिंक इट्स द लास्ट आर्टिकल। यस द एब्सेंटी स्टेक होल्डर। अब वहाँ पे बात करी थी कि पंजाब के फार्मर्स को नहीं लिया आपने, एनिमल हस्बेंड्री वालों को नहीं लिया आपने, टाइम फ्रेम नहीं दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिजिटल पॉलिसीज़ के लिए बन रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें इंडियन MNCs को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना इंक्लूड करने के लिए ही नॉन इंक्लूजन ही मेजर रीज़न बना हुआ है। तो अब जो है इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी, उसको कहा जा रहा है पूरी तरीके से रेगुलेटरी वैक्यूम में काम करती है, यानी रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो 2022 में ही कई सारे रेगुलेशंस आए हैं, जैसे IT रूल्स आए हैं 2021 के, और डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, और अभी नए साइबर सिक्योरिटी डायरेक्शंस, फिर अब आने वाली है ई कॉमर्स पॉलिसी और डेटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, जो अभी कुछ सालों से बनाए जा रहे हैं तो वो भी अभी आने वाले हैं। तो ये इतने मतलब तेज़ी से जो चीज़ें हो रही है उससे समझ में आता है कि डिजिटल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको रेगुलेटरी नर्चरिंग की ज़रूरत है, और इन सारे प्रपोजल्स को अभी कंसल्टेशन में रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बैकलैश ये है कि कुछ लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो इंटरनेट जायंट्स हैं वो ऑब्वियस ही बात है, मतलब डिजिटल पॉलिसी जो इंटरनेट जायंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं तो उनकी बात कर रहे हैं कि वो कंज्यूमर को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, बिजनेस को भी और गवर्नमेंट को भी, लेकिन फिर भी वो एक डोमिनेंट पोजीशन एंजॉय करते हैं, साथ में मिस इन्फॉर्मेशन भी कई बार क्रिएट करते हैं और कई बार अनडेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का भी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को भी अंडरमाइन करते हैं। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट को फिर अलग अलग तरीके से इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी अपनी एडवोकेसी बढ़ा ली है, कैसे, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को यूज़ करके और एम्पेरिकल प्रॉपर रिसर्च करते हैं, केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स आपके यही सारे हो जाते हैं, गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर। ओके, तो ये तो है ना पॉलिसी डिस्कशंस में किसी तरीके से एक्टिवली इंगेज रहते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर थर्ड पार्टी को ही आगे कर देते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। उसी तरीके से स्टार्टअप, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अकेडमिक्स, वो भी इन पॉलिसी डिस्कोर्सेस में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन छूटता कौन है, जो इंडियन ओरिजिन वाले MNCs हैं वो छूट रहे हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप। आप बाहर वालों को इंक्लूड कर रहे हो लेकिन अंदर वालों को ही नहीं कर रहे हो, वो भी MNCs को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे इनके नाम भी बता दिए, गोदरेज, ITC। तो इन्होंने कंट्री के डेवलपमेंट में मतलब ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये भले बहुत ज़्यादा डिजिटल कंपनी नहीं है, अगर रिलायंस जियो को छोड़ दो, लेकिन फिर भी सब अपना कोशिश कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने की, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइंट सर्विस डिजिटल तरीके से प्रोवाइड करने की, है ना। तो इसलिए आपको इनको अकाउंट में लेना ज़रूरी है। तो अब टाटास का भी जैसे बताया कि इन्होंने ई कॉमर्स में कोशिश की आने की, जैसे टाटा क्लिक और न्यू बनाया है और अभी बाकी भी आ रहे हैं। तो अब बात यही है कि इस तरीके से आप उनको दूर कर दिए हो इन डिस्कशन से, तो इससे इंडियन कॉमर्स का फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कहा है कि ज़्यादातर कंपनीज़ यही कोशिश कर रही हैं कि डेटा इंटीग्रेशन वगैरह किया जाए। तो गवर्नमेंट के रिलेशन जो रहते हैं, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्यों यहाँ पे ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के रिलेशन जो रहते हैं वो हमेशा बिग बिजनेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो जब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था 1991 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो उस टाइम पे भी ये जो बड़ी बड़ी इस तरीके की कंपनीज़ थी उनको थोड़ा सा धक्का लगा था, वो पीछे चली गई थी। और इन बड़ी कंपनीज़ को ये टर्म याद रखना, कहा जाता है बॉम्बे क्लब। ठीक है, बॉम्बे क्लब कहा जाता है। बाद में फिर गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनी थी और इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी थी कि जो फॉरेन बिजनेसेस हैं उनकी अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम रहेगी, ताकि इंडियन बिजनेस अपने डोमेस्टिक मार्केट में कम्पीट कर सकें। ओके, दिस इज़ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द इंडियन इकोनॉमी वॉज ओपन अप। ओके,
तो अब एमएनसीज कब कैसे इंटरेक्ट करेंगी गवर्नमेंट से, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर सेक्टर स्पेसिफिक इन्होंने बताया है कि अगर टेलीकॉम कंपनीज का इंडिया में देखें तो जितने भी मतलब ट्राई के डिस्कशंस होते हैं और इंडस्ट्री डेलिबरेशंस होते हैं तो वो उसमें पार्टिसिपेट एक्टिवली करती हैं सारी जो भी कंपनीज हैं टेलीकॉम कंपनीज हैं, और वो अपने सबमिशंस भी देती हैं जिससे फिर पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इंडस्ट्री फ्रेंडली डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार इनसे लिया जाता है ओपिनियन, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह है। और तो उस केस में फिर क्या होता है कि पॉलिसी पहले ही अनाउंस कर देते हैं और ये कंपनीज वगैरह क्या करती हैं बाद में फिर इनडायरेक्ट तरीके से इसमें इंटरवीन करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है क्योंकि ये फेयर है, क्योंकि हमेशा सरकार जो है वो पूरा टाइम मतलब इस तरीके से बिजनेसेस से कंसल्ट नहीं कर सकती हर नई पॉलिसी बनाने से पहले। ओके, लेकिन अब डिजिटल इकोनॉमी का केस थोड़ा अलग है, और मल्टी स्टेक होल्डरिज्म एटलीस्ट मतलब पॉलिसी में इसमें तो रहता है, ये बात तो की जाती है कि कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो इसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ एंड डायलॉग के, भले फाइनल पॉलिसी भी आ जाए उसके बाद में भी, है ना। तो जो बिग टेक कंपनीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ तो जो है वो इन चैनल्स का भरपूर फ़ायदा उठाती है, वही गूगल वगैरह, है ना, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। तो भले उनका मतलब बाद में जैसे केस वगैरह भी करना हो, आप देखो ना जैसे फेसबुक ने किया, ट्विटर ने किया, तो इस तरीके से वो गवर्नमेंट के सामने जो भी अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है तो उसमें इन लोग इंटरवीन कर ही लेते हैं। लेकिन बात यही है कि इसके अलावा मतलब इंडियन स्टार्टअप्स भी काफ़ी अच्छे से कम्पीट करते हैं, पर वही है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इंडियन एमएनसीज जो हैं उनको क्यों ज़्यादातर इसमें एब्सेंट रखा जाता है। ओके, तो इसकी वजह से अब क्या हो गया है कि जितनी भी मतलब पॉलिसी फोकस रहता है वो बिग टेक कंपनीज की तरफ रहता है, और इनको भी मतलब अब इंडियन एमएनसीज को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है ताकि एक सिक्योर और ट्रस्टेड डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सके। ठीक है, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में और आज के न्यूज़पेपर के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और दैट इज़ इट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।